सो गाइज फाइनली खुशखबरी आप सबके लिए। बीस्ट रहेंगी अपने पास, बुकिंग हो चुकी है अपनी गाड़ी की और बुकिंग दिखाते हैं आपको। पापा जी को बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्योंकि डांट खाने को मिलेगी, वो डांट खाने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नए व्लॉग में आप सभी का है स्वागत। तो यार आज या तो गाड़ी आ जाएगी अपनी या आज अपनी गाड़ी बुक हो जाएगी। आज वो दिन फाइनली आ ही गया है जिस दिन हम अपनी नई गाड़ी लेने वाले हैं और आपको आज पता चल जाएगी कौन सी गाड़ी हम ले रहे हैं। अगर गाड़ी आज मिल जाती है, वैसे तो फोन आया शोरूम से कि एक गाड़ी डिस्प्ले में खड़ी है ब्लैक कलर में, तो अगर वो मिल जाती है, हमें 20 लोगों को कॉल करी गई है, जो भी पहले पहुंच जाएगा उसको वो गाड़ी मिल जाएगी। अगर वो गाड़ी हमें मिल जाती है आज आपको गाड़ी की डिलीवरी देखने को मिलेगी। अगर तो नहीं मिलती है तो आज हम बुक करके आएंगे, ठीक है। तो आज मतलब पूरी तरीके से निकला हूं मैं गाड़ी बुक करने के लिए या खरीदने के लिए, जैसे भी होगा आपको वीडियो में आगे जानने को मिल जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं एक और नए व्लॉग को, निकलते हैं जल्दी से। कहां से ले रहा हूं? गुड़गांव से, ठीक है, स्टे कनेक्टेड। सो गाइज फाइनली खुशखबरी आप सबके लिए। हो सकता है कि आज ही हम अपनी गाड़ी निकलवा लें, मतलब अगर आज नहीं निकलेगी तो कल निकल जाएगी, क्योंकि दीपक पहुंच चुका है भाई इतने सुपर फास्ट। तुम्हारा भाई दीपक पहुंच चुका है वहां पे और उसने बात कर लिया उनसे कि भाई हम इसको होल्ड करवा रहे हैं गाड़ी को, और मैं भी जल्दी से पहुंच रहा हूं। मेरे को एक घंटा मैक्सिमम यहां से लगेगा। मैं पहुंच चुका हूं, सोना पहुंचने वाला हूं जस्ट, मैं वहां से मतलब पौना घंटे के आसपास लगता है। तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं। और हां भाई, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी टाटा हैरियर वाली, उसमें ड्राइवर की गलती हो सकती है या उसमें कोई और फॉल्ट हो सकता है, उसने कहीं से मैकेनिक ने कोई फॉल्ट छोड़ दिया होगा या क्या इशू रहा होगा। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था इशू तो क्या हुआ, मेरा दिखाने का मतलब था। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि यार महिंद्रा से फार बेटर है टाटा। भाई मैंने कंपैरिजन करने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, पहली चीज। दूसरी चीज कि मेरे को भी पता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो भी इतनी सेफेस्ट कार नहीं है, ठीक है, और ये चीज मैंने वीडियो में बोली भी थी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो, जिसने भी पूरी वीडियो देखी होगी उसने ये कमेंट नहीं किया होगा, जिसने आधी अधूरी वीडियो देखी होगी उसने ये कमेंट किया होगा। तो मुझे उसका ओनर मिल चुका है होडल से, वो गाड़ी है टाटा हैरियर जिसकी वो जली थी, इतना मुझे अभी तक पता चला है। अगर ओनर से बात हो पाएगी तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, उन्होंने गाड़ी कब ली, क्या इशू आया, उसके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों का जो चुल होती है ना वो इतनी आसानी से जाती नहीं है, उनको कमेंट ऐसे ऐसे पड़े। मैंने भाई, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, और कोई मेरा पर्पज नहीं था। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता किसी कंपनी को, टाटा और महिंद्रा इंडियन कंपनीज हैं और मेरा पूरा विश्वास है इंडियन कंपनीज पे, बट उनको बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। अपना मोटिव यही है कि उनको और ज्यादा बेटर बनाया जाए जिससे कि हमारी इंडियन जो भी इंडियंस हैं उनकी लाइफ खतरे में ना पड़े। आई थिंक आपके पास टाटा हैरियर होगी इसलिए आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, मेरे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो। मैं फिर भी बोलता हूँ कि इसमें बॉडी रोल होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, और इतनी ज्यादा सेफेस्ट कार नहीं है। मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि 25 लाख की गाड़ी में भी ये सब चीजें हो सकती हैं। आप ये सोच के मत बैठ जाओ कि हाँ भाई आपने सेफेस्ट कार ले ली, आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। तो मेरा मोटिव सिर्फ वही था, ठीक है। बाकी आज खुशी का दिन है तो खुशी से इस व्लॉग को करते हैं, और चलो फिर जल्दी से पहुंचते हैं गुड़गांव। और हाँ, उस पर वीडियो आएगी, ठीक है, अपनी ओनर के साथ वीडियो आएगी, टाटा हैरियर वाले के साथ, वो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो चलो लो जी भाई, फाइनली गुड़गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ से सिर्फ 9 से 10 मिनट लगने वाले हैं अपने को महिंद्रा शोरूम पहुंचने में। और यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आजकल थोड़ा सा सेंसिटिव चल रहा है बुकिंग्स वगैरह का मामला, तो पता नहीं अंदर मैं कितनी रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा या नहीं। जो भी होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा आपको दिखा देंगे। बाकी बुकिंग करने के बाद, अपना सब कुछ डन होने के बाद, जब गाड़ी निकलेगी वो भी आपको बताएंगे कब निकलेगी। आज का सारा मामला जो भी होगा आपको जानने को मिलेगा। तो अब अपनी नई थार भी आ जाएगी, दोनों बीस्ट रहेंगी अपने पास, ये वाली ब्लैक बीस्ट है, वो वाली देखते हैं कौन सी वाली बीस्ट रहेगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलो फिर जल्दी से पहुंचते हैं, दीपक से मिलते हैं पहले, तो और क्या क्या चल रहा है प्रोसेसिंग देखते हैं और अपने पेपर वर्क वगैरह करते हैं। महिंद्रा पहुंच चुके हैं भाई, महिंद्रा आ चुका है अपना। चलो फिर जल्दी से अंदर चलते हैं, रुका नहीं जा रहा। सामने देखो थार खड़ी है रॉकी बीच कलर, बताओ कौन सा कलर ले, ये वाला अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं, अंदर आके देखते हैं। और एक थार ये देख लो सामने पेट्रोल की है भाई, भी ये कलर भी मस्त लग रहा है, ब्लैक तो अपना फेवरेट ही है, देखते हैं कौन सा कलर मिलेगा, आपको भी पता चलेगी। सो लेट्स गो इनसाइड बॉयज। लो जी, काम हो गया जिसके लिए आए थे, बुकिंग हो चुकी है अपनी गाड़ी की और बुकिंग दिखाते हैं आपको। ये देखो, टन टन, दिस इज द बुकिंग पेपर। तो बुकिंग अपनी हो चुकी है भाई, डन।
अपनी गाड़ी हो चुकी है बुक। हम भी हो जाएंगे अब 4x4 वाले, और कब गाड़ी हमारी निकलेगी वो आपको पता चलेगा टाइम के साथ ही। और जो गाड़ी जो कलर हम लेने के लिए गए थे वो कलर आज यहाँ पे नहीं था, तो हमने आपको जो वहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी उसी की एक बार वीडियो बना के फोटो वगैरह दिखाया आपको। हमारी जो गाड़ी होगी वो आप गैस करो कि हम कौन सा कलर फाइनल करेंगे, और जल्दी तुम्हारे भाइयों की गाड़ी आने वाली है 4x4, उसके बाद चलेंगे भाई ट्रिप पे। मैं मतलब इतने दिन से सोचता था कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, मूड खराब, कभी ये गाड़ी देख रहा हूँ कभी वो गाड़ी देख रहा हूँ। भाई फाइनली आज लग रहा है कि हाँ अपना जो सर्च चल रही थी ना इतने टाइम से वो फुलफिल हो गई है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमने थार ही क्यों फाइनल करी और महिंद्रा की क्यों करी, क्योंकि ऑलरेडी हम महिंद्रा की गाड़ी यूज कर रहे हैं। भाई महिंद्रा मेरे को तो बेस्ट लगती है, मेरी ट्रस्ट है महिंद्रा पे, और स्कॉर्पियो भी है हमारे पास और इसको भी रखेंगे। भाई स्कॉर्पियो को प्यार दिया ऐसे ही हमारी न्यू थार को भी देना, ये सब चीज तुम्हारे लिए हो रही है। आई होप कि आपको नेक्स्ट लेवल वाली वीडियोस ऑफ रोडिंग की देखने को मिलने वाली है हमारे चैनल पे। तो भाई इसीलिए मेनली मैं निकल के आया था घर से कि हाँ जल्दी से जाओ भाई और जल्दी से बुक कर दो, आके मैंने सीधा बुक कर दी। डेट अभी हमें फाइनल करनी है कब निकलवानी है गाड़ी, क्योंकि जो हमने एसेसरीज के लिए बोला है कि हाँ ये चीज हमें चाहिए वो जब उनके पास अवेलेबल हो जाएंगी तब वो लग जाएगी। सारी एसेसरीज अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, दिल खुश हो गया भाई आज, जितने दिन की सर्च थी ना आज लग रहा है कि हाँ वर्थ इट थी वो। और हमने गुरखा क्यों ली भाई, कई लोग कहते गुरखा ट्राई करो ये अलग है डिफरेंट है। भाई गुरखा में एरोडायनामिक्स का इशू रहता है और गुरखा इज नॉट अ सिटी कार, इट जस्ट फॉर द ऑफ रोडिंग पर्पज। तो हमें दोनों पर्पज के लिए चाहिए थी, सिटी कार भी हो और ऑफ रोडिंग भी हो, ऐसी गाड़ी और ऐसी फिट बैठती है थार उसके अंदर भाई, सीधी सी बात है। और जिस डीलरशिप से हम ले रहे हैं भाई दे वर वेरी सपोर्टिव, गाड़ी एक कैंसिल हुई थी अदरवाइज हमें नहीं मिलती, मतलब वो कैंसिल हुई हाथों हाथ दीपक के पास फोन आया कि भाई हमने 20-30 लोगों को उन्होंने कॉल किया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमें मिली गाड़ी, हम पहले पहुंच गए, दीपक आधे घंटे में विद इन हाफ एन आवर दीपक पहुंच गया था, तो गाड़ी मिल गई हमें, अदरवाइज भाई बड़ी दिक्कत आ जाती। तो फाइनली मिल गई है, बस ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी थी। और भाई जल्दी अपनी गाड़ी आ जाएगी, आप लोगों को मजा आएगा, 4x4 का मजा लेंगे अब, और प्लान करने की स्नो में जाएं जल्दी, अगर विंटर स्पीति हमारा डन हो जाता है ना विंटर स्पीति करेंगे, ठीक है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ घर, उससे पहले मिलना है अपने कजन से के बाद घर निकलूंगा और घर वालों को भी खुशखबरी दे देंगे। तो जी हम फाइनली गुड़गांव के दुबई में पहुंच चुके हैं, गुड़गांव का दुबई ये है ना मनोज पाठक। तो जी भाई हमारा कजन आ चुका है जिसके बारे में बोल रहा था मैं, ये हमारे वकील साहब। तो सेक्टर 56 में जाएंगे, भूख लग रही है, कुछ खाते पीते हैं उसके बाद देखते हैं हिसाब किताब, कोल्ड कॉफी पियेंगे और कुछ खाएंगे वहाँ पे, टाइम पास करेंगे फिर निकलेंगे घर। बाकी यार रोड मस्त बना दिए गुड़गांव के, दाबेली तुम्हारी पुरानी है वहाँ की, सैंडविच खाएंगे यार, सैंडविच सही है वहाँ के ब्राउन ब्रेड वाले। बाकी भाई सही चल रहा है अपना हिसाब किताब, ऐसे ही जुड़े रहो ठीक है। फाइनली पहुंच गए भाई अपने पुराने ठिकाने पे, सेक्टर 56 की मार्केट। मैं गुड़गांव से निकल गया हूँ, जा रहा हूँ वापस घर, और भाई इतनी खुशी हो रही है ना मतलब आज की 4x4 आने की खुशी इतनी ज्यादा है कि यार मेरे को लग रहा है कहीं जिस गाड़ी में भी हम बैठे हैं ना ब्लैक बीस्ट, जिससे हमारी पहचान है हमारे चैनल की पहचान है और हमारे व्यूअर्स जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं इसको लेके मैं केयरलेस ना हो जाऊं, यही बस दिमाग में चलता रहता है मेरे को, बट नहीं होंगे क्योंकि हमारा प्यार है ये, इसका भी आपको रेगुलर कॉन्टेंट देखने को मिलता रहेगा। और भाई अभी घर वालों को नहीं पता है कि हमने बुक कर दी है गाड़ी, और मतलब कुछ भी नहीं पता है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना घर वालों का रिएक्शन ले लूं आज मैं, मतलब डांट पड़ने वाली है क्योंकि 3 साल पहले तो मैंने स्कॉर्पियो खरीदी थी, 3 साल के अंदर अंदर फिर दोबारा दूसरी गाड़ी, और गाड़ियां बताऊं तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, अब 4 गाड़ियां हो जाएंगी, एक दीपक के पास है, एक पापा जी के पास है, एक मेरे पास ही है, एक और हो जाएगी थार। तो भाई पक्का डांट पिटेगी ये तो 100% है। तो मम्मी को तो मैंने बता दिया, मम्मी के साथ तो ऐसा रहता है कि मम्मी को कुछ भी चीजें बता दूं मम्मी मान जाती है, बट पापा जी को बताना भाई महाभारत है। अब मैं उसको रिकॉर्ड करूं या ना करूं, क्योंकि देखो डांट तो लगेगी तुम्हारे भाई की, पर कोई बात नहीं आज ये भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं घर वालों का रिएक्शन देते हैं, हम भी लेंगे आज, और जल्दी अपनी गाड़ी भी आ जाएगी, डिलीवरी की वीडियो बनेगी अलग से, कलर कौन सा ले रहे हैं और सेगमेंट कौन सा ले रहे हैं, डीजल पेट्रोल नहीं डीजल लेंगे, चलो ये चीज आपको बता देते हैं, डीजल लेंगे ऑटोमेटिक लेंगे या मैनुअल लेंगे, ये सब चीज आपको टाइम के साथ ही पता चलेंगी ठीक है। भाई इसी के साथ जल्दी से घर पहुंचते हैं और घर वालों को भी बताते हैं कि हमने बुकिंग कर दी है और उनके रिएक्शन लेते हैं ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं। एक बात बताता हूँ, अपनी इंस्टाग्राम की रील 7 मिलियन पहुंचने वाली है, हो सकता है जब तक घर पहुंचूंगा 7 मिलियन क्रॉस कर चुकी होगी। और एक चीज बताता हूँ, जो महिंद्रा वाले जिनके थ्रू हमने अपना पूरा प्रोसेस किया है आज की पेपर वर्क वगैरह, उन्होंने भी अपनी रील देख रखी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी देखी, कहते भाई ये वाली गाड़ी तो मैंने देखी हुई है, कई सारी रील्स आपकी वायरल है, तो भाई 3 मिलियन 2 मिलियन वाली कई सारी रील्स हैं और एक 7 मिलियन में पहुंचने वाली है। तो थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम पे भी हमें इतना सपोर्ट देने के लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमारा हैंडल है पाठक.vlog से भी आपको मिल जाएगा, निशान.पाठक08 इससे
ही मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सपोर्ट करो। और यार कई लोग एक कमेंट ये भी आया कि भाई जल्दी से ट्रिप प्लान करो, कैंपिंग का हमें देखना है। तो भाई कैंपिंग जल्दी से प्लान करेंगे, एक बार गाड़ी आ जाए अपनी। हेलो हेलो हेलो। तो अभी कुछ सब्सक्राइबर्स शायद हमें मिले हैं, इनसे एक बार मिलते हैं, बात करते हैं। तो भाई ऐसे लोग मिलते रहते हैं, बड़ा मोटिवेशन मिलता है लोग जो भी हमें मिलते हैं बीच में। राम राम भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत सही। बस यार अपनी वही व्लॉगिंग साथ में चलती रहती है ना, भाइयों से मुलाकात हुई, भाई कर रहे हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, तो भाई मिलके बहुत अच्छा लगता है यार। ये मोटिवेशन है, दिस इज द मोटिवेशन। सिर्फ इसी मोटिवेशन के लिए और इसी प्यार के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और ऐसी कमेंट करते रहा करो वीडियोस पे भाई, लाइक किया करो भाई, सपोर्ट दो अपने भाइयों को, तभी हम कुछ अच्छा और अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो आप जल्दी से घर पहुंचते हैं। ठीक है, तो भाई मैं घर आ चुका हूँ। और आप लोग इस चीज का इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि तुम्हारा भाई रिएक्शन लेगा घर वालों के? भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, कल दीपक आ जाएगा तो दोनों भाई साथ में रिएक्शन लेंगे। मतलब अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैं कल सुबह ले पाया और घर वालों को बता पाया कि हमने गाड़ी बुक कर दी है, तो कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। भाई बिल्कुल लिटरली हिम्मत नहीं हो रही। मैं जब आया था पापा जी घर पे बैठे थे, मतलब मम्मी को तो चलो मैं बता दूंगा, अभी भी बता दूंगा, बट पापा जी को बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि डांट खाने को मिलेगी। वो डांट खाने के लिए मेरे को अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं घर वालों को बताऊंगा। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जानने को मिलेगा, घर वालों का रिएक्शन आफ्टर बुकिंग थार। मतलब क्योंकि 2 या 3 साल के अंदर मैं दूसरी गाड़ी ले रहा हूँ, तो भाई ये वाली गाड़ी मेरी और दीपक की, हम दोनों की इन्वेस्टमेंट इसमें लगी है। स्कॉर्पियो में मैंने इन्वेस्ट किया था, तो हम दोनों मतलब इतनी जल्दी जल्दी गाड़ी ले रहे। दीपक की गाड़ी भी अभी आई है, मतलब 1 साल ही हुआ है, तो 2-3 साल के अंदर 3 गाड़ियां हो जाएंगी अपनी। ठीक है, तो भाई इसलिए समझो बात को, तो घर वालों को मनाना पड़ेगा उस चीज के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट हमारी है, बट स्टिल उनके लिए तो हम बच्चे हैं भाई, तो घर वालों को मनाना पड़ता है हर चीज के लिए, चाहे अपने पैसों से खरीदो चाहे उनके पैसों से, सब उनका ही है। ठीक है, तो इसलिए उस हिम्मत को जुटाने के लिए भाई मेरे को चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट जब तक नहीं होगा तो कैसे तुम्हारा भाई का काम बनेगा? अकेला के डांट थोड़ा ना खाऊंगा, क्योंकि दीपक ने भी ली गाड़ी, तो दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और दूसरा एक चीज बताया हूं आपको मैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं गुरखा के लिए, तो भाई गुरखा क्यों नहीं ली? उसके पीछे 3-4 बेसिक रीजंस हैं। एक तो गुरखा के अंदर हिल असिस्ट नहीं होता, गुरखा के अंदर हिल रीसेंट कंट्रोल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं होता, स्पीड सेंसर नहीं होता, कई सारी ऐसी चीजें हैं। और जो गुरखा है वो एरोडायनेमिक्स में ज्यादा बेटर नहीं है, बॉडी रोल ज्यादा है कंपेरेटिवली टू द थार। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार, हम थार मेन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें हिल्स पे जाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, स्नो में चलानी है, तो वो सब चीजें फुलफिल नहीं कर पा रही थी गुरखा। मतलब इंजन वाइज गुरखा इज बेटर देन थार, बट देयर लॉट ऑफ रीजंस कि थार इज मच बेटर देन गुरखा। तो इसलिए हमने गुरखा को फाइनल ना करके हमने थार को फाइनल किया। और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थार के लिए ही प्रेफरेंस है, मतलब आप मानोगे नहीं, 70% लोग थार चाहते थे और 30% गुरखा। और बट गुरखा वाले कंफ्यूज थे कि गुरखा लेनी चाहिए या नहीं, वो लोग भी कंफ्यूज थे, इट्स बिकॉज ऑफ लुक और थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, थार सबने ले रखी है तो इसलिए वो गुरखा प्रेफर कर रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। तो भाई गुरखा हमने क्यों नहीं ली उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, और हमको इतना सपोर्ट करने के लिए। तुम्हारे भाई बहुत नेक्स्ट लेवल वाले व्लॉग्स लाने वाले हैं, थार के साथ एडवेंचर करने वाले हैं, और अपनी कैंपिंग भी इसी पे हम इंस्टॉल कराएंगे। ठीक है, जल्दी। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। कल की वीडियो में क्या लेना है? घर वालों का रिएक्शन, वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, अगर मैं वो प्लान करता हूँ। ठीक है, ये कंफर्म नहीं कर सकता मैं कि कल वही बनाऊंगा। ओ भाई हाथ दुख गया, तो एक हाथ से देता हूँ दूसरे हाथ को सपोर्ट, और इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में। लिव यंग लिव फ्री, बूम।